मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया हूँ अभी पारसनाथ, और ये मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये हमें ऊपर जाना है और लगभग 9.6 किलोमीटर है जो हम लोग ऊपर चढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से चढ़ना चालू कर रहे हैं और ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या जगह है यहाँ पे चढ़ने के लिए और देखने के लिए क्या क्या। गिरिडीह यह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में एक मुख्य जिले के रूप में स्थित है। साथ ही साथ इस जिले को पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आप पारसनाथ की यात्रा करते हैं तो सर्वप्रथम आपको मधुबन आना होगा। मधुबन आने के पश्चात ही आप पारसनाथ की चढ़ाई पैदल, बाइक या फिर डोली के सहारे कर सकते हैं। मधुबन एक छोटा सा और सुंदर सा गांव जैसा है। यहाँ आपको ज़रूरत की लगभग हर एक सामान मिल जाएगी। आपको यहाँ पे खाने से लेकर ठहरने तक की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मधुबन अपने आप में एक खूबसूरत सा जगह है। यहाँ लगभग 100 से अधिक ऐसे जैन मंदिर हैं जो कि लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ पर एक सुंदर सा जैन म्यूजियम भी है जहाँ आप जैन धर्म ग्रंथ, पुरानी मूर्तियाँ और कई अनजान तथ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। म्यूजियम के अंदर आपको एक टेलीस्कोप भी देखने को मिलेगा जिसके मदद से आप चोटी पर स्थित सम्मेद शिखर जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। इस जिले का मुख्य आकर्षण केंद्र है यहाँ स्थित जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पारसनाथ, जो कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। इस चोटी को सम्मेद शिखर जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल झारखंड की सबसे ऊँची चोटी नहीं बल्कि हिमालय के दक्षिणी हिस्से का सबसे ऊँचा पर्वत श्रृंखला भी है। पारसनाथ पर्वत पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो कि 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा से पूरी की जा सकती है। तो इस सफ़र की शुरुआत हमने भैरव बाबा के दर्शन से की और हम लोग अब ऊपर की तरफ। पहला जगह ये कलिकुंड धाम, जो कि नीचे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो लगभग 3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ऊपर में झारखंड SSB सशस्त्र बल का कैंप भी है। और हमें पीछे जो वो पहाड़ दिख रहा है, वो जो पहाड़ दिख रहा है, हमें वहाँ जाना है। तो 7 किलोमीटर और ऊपर जाना है हमें। चलते हैं धीरे धीरे। 3 किलोमीटर तो चढ़ाई चढ़ गए, हम चढ़ चुके हैं और 7 किलोमीटर की लगभग दूरी और बची है। ये है टॉप जहाँ हम लोगों को जाना है। मतलब 3.5 किलोमीटर आने के बाद अभी हम लोगों को और लगभग 6.5 किलोमीटर और हम लोगों को ऊपर जाना है।
मतलब मज़ेदार एकदम पूरा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप। आप करोगे तभी तो हम आगे भी और भी अच्छी अच्छी जगह को कवर करके और भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक अच्छा अच्छा प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, अब पूरा यहाँ से वहाँ तक 10 किलोमीटर तो कैमरा ऑन करके कवर नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको दिखाते चलते हैं। सो लेट्स हम लोग लगभग 6 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। तो 6 किलोमीटर आने के बाद एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एक सेट टाइप का बना हुआ है और पीछे व्यू देखिए, टॉप व्यू। तो यहाँ पे दो रास्ता है, एक इधर गया जा रहा है नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड है। तो मे बी ये रास्ता ऊपर मंदिर के साइड जाता पारसनाथ, और ये वाला रास्ता नीचे जलपात मंदिर है वहाँ जाता है। तो अभी तो फिलहाल वो रास्ता हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर अभी बंद है, सिर्फ पारसनाथ मंदिर ओपन है। तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तब तक आप देखिए क्या सीन है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 8 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, 8 किलोमीटर, हाँ लगभग 7-8 किलोमीटर चढ़ गए होंगे ऊपर। और यहाँ का सीन देखिए, मतलब ऑलमोस्ट बादल में ही क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। और यहाँ से थोड़ा दूर और चलना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग को ये देखिए पीछे वहाँ पे दूर क्लाउड हटेगा, जैसे सो क्लियर हो रहा मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे जाना है। लगभग 2 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो जो कि आगे आगे से इधर से रास्ता होते हुए घूम के वहाँ पहुँचेंगे हम लोग। तो क्लाउड्स काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग, एक मंदिर आपको वो दूर एक दिख रहा होगा, वो शायद मेरे ख्याल से जल प्रवाह मंदिर है, जल मंदिर है, मे भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मे भी वो जल मंदिर है। उसके ऊपर भी रास्ता है, ऊपर भी एक मंदिर है, उसके टॉप पे भी एक मंदिर है, और हम लोग इधर पारसनाथ जा रहे हैं। तो हम लोग पारसनाथ भी जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, वो रास्ता दूसरा है जहाँ से मैंने बताया था कि वहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक पारसनाथ जाने के लिए, एक उधर जल प्रपात मंदिर जाने के लिए, जल मंदिर जाने के लिए। तो हम लोग पारसनाथ जा रहे हैं, जल मंदिर नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो जाएंगे, उसे कवर करेंगे। बट अभी चलते हैं ऊपर, 2 किलोमीटर और बचा हुआ है, 2 किलोमीटर चल के
ऊपर सीन दिखाते हैं आपको। और ये रास्ता जो दिख रहा, अगर आप ऊपर बाइक से आना चाहते हैं तो इस रास्ते से, आप नीचे से रास्ता जो दिखाया था उस रास्ते से, आप इस रास्ते से ऊपर बाइक पे जा सकते हैं। अब देखिए इधर कुछ सीन नहीं हो रहा क्योंकि पूरा क्लाउडी क्लाउड है, सिर्फ बादल ही बादल है, कुछ नहीं दिख रहा। बस जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बस उसे ही फील कर सकते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ आना कम्प्लीटली, पूरा मजा आ रहा है। तो भाई साहब देखिए बाइक से, देखिए मैं अभी और ऊपर जाना है, ऊपर टॉप पे किलोमीटर। ये लोग भी साथ चल रहे हैं। कब चढ़ना चालू किया आप लोग? 5 बजे। 5 बजे कहाँ से आप लोग? हम लोग है धनबाद से। धनबाद जमशेदपुर। आप लोग कब स्टार्ट किए थे ना? हम लोग लगभग 5:40 में किए थे। 19 बजे तो। हाँ। हम लोग किए थे, अंधेरा था उसमें। नहीं, हम लोग थोड़ा सा लेट, हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, 5:40 में स्टार्ट किए थे। साथ में आ रहा है, ये तो बीच में से आया है, ये दोनों कुत्ता इधर नीचे से। आड़ का असली दोस्त यही लोग हैं। जैसे कि भैया बता रहे कि मतलब ये लोग मतलब नीचे से ही साथ में आ रहा है तीनों। और यहाँ पे नींबू पानी वगैरह भी मिल रहा है, तो हम लोग पीते हैं फिर चलते हैं ऊपर। चलते हैं, ठीक। कुंड है कोई, वहाँ जाने का रास्ता है यहाँ से, गौतम गंधर और चोपड़ा कुंड जाने का रास्ता है। का क्या जी रास्ता? तो वहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, तो शायद ये रास्ता वहीं पे जाएगा, और उधर ही चोपड़ा कुंड और गंधर जो भी है तो उसी साइड है। और हम लोग लगभग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो ऊपर आने का मेरे हिसाब से दो बेस्ट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। पहला, थोड़ा सा सामान उठाना होगा, मतलब पानी बोतल कैरी करें साथ में, क्योंकि अगर ऊपर अभी के टाइम तो शॉप उतना सारा नहीं है, बट जब ये पूरा प्रॉपरली ओपन हो जाएगा कोविड के बाद तो शॉप वगैरह बहुत है, बट ऊपर कॉस्टली मिलता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़िएगा तो कॉस्टली मिलेगा। और ये लास्ट पारसनाथ की दूरी आधा किलोमीटर है यहाँ से बस। तो ऊपर जैसे जैसे चढ़िएगा थोड़ा कॉस्टली मिलेगा यहाँ पे सामान, थोड़ा सा नीचे से कैरी कर लीजिएगा साथ में। लाइट
कुछ भी खाने का, मतलब बिस्किट या कुछ भी जो भी हो। इधर है, किधर? ऊपर, इधर जाने का है मंदिर। रास्ता आधा किलोमीटर और बचा है। तो थक के पूरा चूर हो गए हैं यार। लगभग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए, मतलब 4500 फीट ऊपर मंदिर। तो ये था पारसनाथ मंदिर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आप लोगों को अगर जाना हो तो आप लोग भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है। और यहाँ मतलब यहाँ का जो सीन है ना यार, मतलब बिलीव नहीं हो रहा, जबरदस्त। इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़े हम, 10 किलोमीटर लगभग ऊंचाई है, 10 किलोमीटर आए हम लोग ऊपर पारसनाथ। तो 10 किलोमीटर चढ़ना कोई व्यर्थ काम नहीं है, 10 किलोमीटर आराम से चढ़े। और अभी तो हम लोग लग रहे कि क्लाउड्स में, बादलों में सैर कर रहे हैं। तो होप सो कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे और वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो आज हमारा डे वन यहीं पे एंड हो जाएगा, कल हम लोग जाएंगे उसरी फॉल और हरियर धाम। तो कल दो जगह कवर करके उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
वापस जमशेदपुर के लिए। तो थैंक यू सो मच।